सभी ग्रह में उग्र माने जाते हैं। कुंडली में शनि भारी होने से कई परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। वहीं शनि देव के शुभ प्रभाव से व्यक्ति का जीवन धन्य भी हो जाता है और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं सौम्या शुक्ला, स्वागत करती हूं आपके अपने शो किस्मत कनेक्शन में। तो आज हम बात करने वाले हैं शनि ग्रह की, कैसे समझें कि शनि ग्रह नहीं है अनुकूल और क्या करें उपाय, आइए जानते हैं पंडित गोपाल जी शुक्ला से। हरिओम, नमस्कार। अभी तक हम आपको 6 ग्रहों के बारे में बता चुके हैं और आज हम आपको 7वें ग्रह शनि के बारे में बताते हैं। शनि ग्रह आपका अगर प्रतिकूल है, आप उसको कैसे समझेंगे, हम उसके लिए कुछ आपको तरीके बता रहे हैं जिनसे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमारा शनि ग्रह प्रतिकूल है या नहीं है। जैसे हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, कमर के निचले हिस्से में दर्द होना काफ़ी, या गर्म भोजन को ज़्यादा अच्छा लगने लगे हमें, ठंडा भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, या लोहे से किसी प्रकार की परेशानी, लोहे से किसी प्रकार चोट लग जाना या लोहे के माध्यम से कोई हानि हो जाना, इस प्रकार की कोई चीज़, या आपको लगने लगे कि इसमें अचानक हमारी परेशानियां बढ़ गई हैं, कुछ ना कुछ इसमें परेशानी हमें शुरू हो गई हैं, अगर ऐसा इनमें से कोई भी चीज़ आपको लग रही है तो आप ये समझ लें कि आपका शनि ग्रह जो है प्रतिकूल है और उसके लिए आपको पूजा और उपाय करने चाहिए ताकि शनि अनुकूल हो। उससे संबंधित कुछ उपाय हम आपको बता रहे हैं, वो उपाय अगर आप करेंगे तो शनि ग्रह काफी हद तक आपका सही हो जाएगा। पहले उपाय में हम आपको बताएंगे कि शनिवार को कुत्ते को एक रोटी में सरसों का तेल और गुड़ लगाकर अगर कुत्ते को खिलाएं हम तो शनि हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा भी आप अपने खाने में काला नमक और काली मिर्च का अधिक उपयोग करें। इसके अलावा आप ध्यान दें कि आप प्रतिदिन, और अगर प्रतिदिन नहीं तो शनिवार को जरूर, अस्त होते हुए सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को आप प्रणाम करें, आप छाया दान करें, और नाल का छल्ला, घोड़ी की नाल का छल्ला अगर आप पहने मध्यमा उंगली में घोड़े की नाल का छल्ला या फिर नाव की कील का छल्ला अगर आप पहने तो बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार को आप शनि दर्शन करें, शनि को तेल अर्पित करें और पीपल वृक्ष पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और उसके अलावा आपको देखिए, पहले तो हम आपको एक चीज समझाना चाह रहे हैं कि शनिवार को शनि दर्शन के लिए जब जाते हैं तो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि शनि मंदिर के बाहर जो दुकानें लगी हुई हैं वहीं से हम सारा सामान खरीदते हैं, तेल लोहा सारी चीज़ें उनसे खरीदते हैं और वहीं चढ़ाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आज शनिवार को जो चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए वही चीज़ आप वहाँ से खरीद रहे हैं और फिर शनि के ऊपर चढ़ा रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। आप स्वयं घर से लेकर जाएं शनिवार को तेल, सरसों का तेल, काला तेल, कच्चा कोयला, ये इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं खरीदी जाती हैं। एक ये बात ध्यान रखिए। दूसरा बात आपको ध्यान रखना है कि जब शनि के दर्शन करें या पीपल वृक्ष पे दीपक जलाएं तो आप दर्शन करके सीधे वापस आएं अपने घर, वापस पीछे मुड़ के न देखें, और घर आके हाथ पैर धुल के कुछ मीठा खाएं, उसके बाद आप कहीं जाएं। अधिकतर लोग जैसे ऑफिस गए हैं या कहीं काम से गए हैं तो चलो शनि मंदिर हो लेते हैं, या शनि मंदिर हो के फिर ऑफिस निकल गए, फिर कोई काम पे निकल गए, वो नहीं होना चाहिए। शनि दर्शन या पीपल वृक्ष दीपक तभी जलाना चाहिए जब लगे कि अब हमको यहाँ से सीधे घर वापस होना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है, तो ही शनि पूजन करें। उसके अलावा आपको जड़ में पीपल की जड़,
पीपल की जड़ या एक बिच्छूल की जड़ आती है, बिच्छूल उसका नाम है, जड़ का, पेड़ का नाम होता है, उसकी जड़, इनमें से कोई भी एक जड़ लेके अगर आप नीले या काले धागे में या कपड़े में उसको लपेट के अपने दाहिने हाथ की बांह में या गले में धारण करें तो आपको बहुत फायदा होगा, शनि आपका बहुत अनुकूल हो जाएगा। उसके अलावा हम आपको दो मंत्र भी बता रहे हैं, एक अक्षरी बीज मंत्र भी हम बराबर बता रहे हैं और गायत्री मंत्र भी साथ में बता रहे हैं। इन दोनों मंत्रों में जो आपको सही लगे सो आप करें। पहला मंत्र है ओम सं शनिश्चराय नमः, ओम सं शनिश्चराय नमः। दूसरा गायत्री शनि मंत्र है ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। फिर से सुनिएगा, ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। आप इनमें से कोई भी मंत्र करें जो आपको सुविधा अनुसार कर सकें, जिसमें गलती ना हो, आराम से कर सकें, और कोई भी उपाय करें, आपका शनि अनुकूल होगा। हरिओम, नमस्कार। तो अगर आपको भी काफी दिनों से जोड़ों में दर्द है, अचानक से कई परेशानियां सामने आकर खड़ी हो गई हो, तो पंडित जी द्वारा बताए गए ये कुछ आसान उपायों को अपने जीवन में शामिल करें और इन परेशानियों को करें छूमंतर। हम उम्मीद करते हैं कि ग्रहों की ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगले एपिसोड में हम आपसे राहु ग्रह की बात करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द ही फिर मिलेंगे किस्मत कनेक्शन के साथ।